नमस्कार, मैं अनुज तिवारी परीक्षा प्लस किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एमसीक्यूज के इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी हम आज टैक्सेशन को देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमी की ये हमारी फोर्थ से क्लास है, और इससे पहले हमने तीन टॉपिक्स को कवर किए हैं। अगर उन तीन टॉपिक्स भी आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट टॉपिक में जो हमने कवर किया था मुद्रा या मुद्रा स्थिति, एंड सेकंड टॉपिक में हमने कवर किया था आरबीआई एंड बैंकिंग, एंड थर्ड टॉपिक में हमने कवर किया है विदेश व्यापार, और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टैक्सेशन है। हमारी कोशिश है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स हैं, उन्हें हम टॉपिक वाइज आप तक डिलीवर करने की कोशिश करें। और इन्हीं सीरीज में हम आपके सामने हर एक टॉपिक को क्वेश्चन वाइज डिलीवर कर रहे हैं। आज भी जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये टैक्सेशन है, और टैक्सेशन में जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सामने रहा। आज का ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन आप देखिएगा, आयकर, निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक, ये चार प्रकार के कर आपके सामने हैं जो कि दिए हुए हैं। ठीक, अगर मैं आय कर की बात करूं, देखिए भारत में जो हमारे यहाँ टैक्स का प्रोविजन है, टैक्स हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रत्यक्ष कर और एक है अप्रत्यक्ष कर। ठीक, अगर मैं प्रत्यक्ष कर की बात करूं तो प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा आप गौर करिएगा। प्रत्यक्ष कर का मतलब सीधा सा है कि जब जिस व्यक्ति पे कर का अधिरोपण किया जाए उस व्यक्ति को ही कर की, उस व्यक्ति से ही कर की वसूली भी किया जाए। मतलब किसी एक बिंदु पे लगने वाला कर की वसूली उसी बिंदु से अगर की जाए तो यह एक तरीके से डायरेक्ट कर या प्रत्यक्ष कर माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी इनकम पे लगने वाला टैक्स है तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इनकम कमा रहा हूँ, मेरी इनकम हो रही है, तो मेरे इनकम के ऊपर जो हम टैक्स पे करेंगे वो हम ही को पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि इनकम मेरी हो रही तो उसके बदले में मैं आपसे टैक्स लूँ। ठीक है, तो एक तरीके से यह डायरेक्ट टैक्स है। मतलब जिस व्यक्ति पे लगाया जाए उस व्यक्ति से ही उसकी वसूली भी की जाए तो यह एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो आपका डायरेक्ट टैक्स में प्रत्यक्ष कर में आपका जाता है आयकर, निगम कर आपका आ जाता है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी वैकल्पिक कर के साथ ही में आपके, अगर मैं बात करूं आप प्रत्यक्ष कर की, तो आप प्रत्यक्ष कर हालांकि बहुत सारे अभी भी हैं लेकिन लगभग 40 से ज़्यादा आप प्रत्यक्ष करों को मर्ज करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो हम बेसिकली आप प्रत्यक्ष कर पे अब जो भी फोकस करते हैं हम जीएसटी पे करते हैं। सो आपने देखा कि ऑप्शन में भी आयकर, निगम कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये तीनों आपके प्रत्यक्ष कर हैं, और आपका जो अप्रत्यक्ष कर है वो वस्तु एवं सेवा कर है जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं। एक बार हम इन कर को भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आयकर क्या होता है? आयकर को मैंने बताया कि व्यक्ति की आय पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो आयकर माना जाता है। व्यक्ति की जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है उसके जितनी ज्यादा सैलरी होती है उस व्यक्ति पर टैक्स का भार उतना ही ज्यादा अधिक होता है। अगर 2.5 लाख से कम है तो उस पर टैक्स का भार कुछ नहीं होता, 10 लाख से ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा होगा, 30 लाख से ज्यादा है तो और ज्यादा होगा, और अगर आपकी सैलरी 50 लाख है तो उससे और ज्यादा टैक्स लिया जाता है। मतलब जितनी ज्यादा सैलरी उतना ही ज्यादा टैक्स, ये एक तरीके का इनकम टैक्स माना जाता है। अगर मैं निगम टैक्स की बात करूं या निगम कर की बात करूं तो निगम कर क्या होता है एक बार आप देख लेते हैं। निगम कर में अगर मैं बात करूं तो निगम कर पे अगर आप ध्यान दें, निगम कर मैं लिख रहा हूं, ये निगम के होने वाले बुक प्रॉफिट पे जो किसी भी अगर कोई कंपनी है तो कंपनी का जो कुल लाभ होता है, कुल लाभ कंपनी का बुक प्रॉफिट कहलाता है। ठीक, अब इस बुक प्रॉफिट से कंपनियां क्या करती हैं कि अपने खर्चों को निकालती हैं। अगर उनका ह्रास मूल्य है किसी भी वस्तु का तो ह्रास मूल्य निकालती हैं।
और अगर कंपनियों को लाभ होता है तो आपको भी पता है कि कंपनियां लाभांश या डिविडेंड का वितरण करने का कार्य करती हैं, ठीक। इन तीनों को जब निकाल दिया जाता है, इन तीनों को निकालने के बाद में जो भी आपका अमाउंट निकल के आता है उससे बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट। और इसी टैक्सेबल प्रॉफिट पे कंपनी को क्या देना होता है, निगम कर देना होता है, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि निगम कर क्या है, कंपनी के टैक्स प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट पर जो कंपनी अपना सैलरी टैक्स पे करती है उसे निगम कर कहा जाता है, ठीक। इसी के साथ में मैं बात करूं बुक प्रॉफिट की, तो बुक प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी का कुल आय, कुल लाभ बुक प्रॉफिट कहलाता है। अभी देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ा लोचा तब आता है कि जब कंपनियां अपने खर्चों को इतना ज्यादा दिखाती हैं, कंपनियां अपने खर्चों को इतना ज्यादा दिखा दें और ह्रास मूल इतना ज्यादा दिखा दें, लाभांश का वितरण इतना ज्यादा दिखा दें कि इनका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो या तो शून्य हो जाए या न्यूनतम हो जाए, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, हालांकि इतना डिटेल जब मैं मेंस जब मैं क्लास ले रहा था तब मैंने लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपने क्लासेस मेरी नहीं भी ली हैं तो आप इकोनॉमी की क्लास जाकर के ले सकते हैं। बैच में ऑलरेडी मैंने आपको 6 से 7 लेक्चर डेली प्रोवाइड किए हैं इकोनॉमी की, पूरा का पूरा इकोनॉमी मैंने ही कवर किया है। 2-2.5 घंटे लगातार लाइव सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर आपने इकोनॉमी की क्लास नहीं देखी है सब वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ बुक प्रॉफिट की, तो मान लीजिए कि अगर आपका बुक प्रॉफिट है 100 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, और आपने दिखाया कि आपका खर्चा हो गया सर 25 रुपये का, पूरा खर्चा जो भी आप एक बार वार्षिक दिखाते हैं, आपने ह्रास मूल्य में भी दिखाया कि मेरे 20 रुपये ह्रास मूल्य में निकल गए, और हमने लाभांश वितरण कर कितना कर दिया 50 रुपये हमने पूरा डिविडेंड बांट दिया, 50% हमने डिविडेंड ही बांट दिया। अब देखिए कितने खर्चे हो गए, कंपनी का निकल के आया 95, और ये 95 क्या है, 95 आपका है टैक्सेबल प्रॉफिट, सॉरी 95 रुपये तो आपके निकल ही गए, अब बचे कितने 5 रुपये, अब 5 रुपया बचा कितना 5, और ये जो 5 रुपया यही आपका है टैक्सेबल प्रॉफिट। अब जो आपको निगम कर देना होगा वो देना होगा 5 रुपये पे, ठीक। अभी देखिए आपका बुक प्रॉफिट है 100 रुपये, आप निगम कर दे रहे हैं 5 रुपये पे, क्योंकि आपने खर्चे को ज्यादा दिखा दिया, ह्रास मूल्य ज्यादा दिखा दिया और लाभांश भी आपने ज्यादा दिखा दिया। इन चीज़ों को जब आप ज़्यादा कोई कंपनी दिखाती है तो या तो इतना ज़्यादा दिखा दे कि वह शून्य हो जाए, या तो न्यूनतम से न्यूनतम अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को दिखाने की कोशिश करती है, ठीक। कंपनी ने सरकार ने कहा क्या कहा, सरकार ने कहा कि ठीक है अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब एक काम करो, ठीक। सरकार ने कहा कि चेंजिंग्स किए, और चेंजिंग्स करने के बाद में सरकार ने कहा इनसे कि अब आप एक काम करो, गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि या तो अपने बुक प्रॉफिट पे, या तो अपने बुक प्रॉफिट पे, या तो अपने टैक्स टैक्सेबल प्रॉफिट पे, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट पहला और दूसरा बुक वैल्यू, बुक प्रॉफिट, इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा उसका आपको 18.5% पे करना होगा। और ये जो आप पे करते हैं इसी को बोला जाता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक। तो सीधा सा समझिए कि निगम कर किसी भी कंपनी के निवल लाभ यानी नेट प्रॉफिट पर होने वाला जो कर दिया जाता है वह निगम कर कहलाता है, और किसी भी कंपनी के बुक प्रॉफिट पे जो टैक्स पे किया जाता है वो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कहलाता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं इन्हें मिनिमाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाने के तौर पर पूरे बोर्ड पर लिख दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये देख लिया, अब थोड़ा सा हम एक बार नज़र डाल लेते हैं जीएसटी पे। जब हम बात इतनी कर ही रहे हैं तो थोड़ा जीएसटी की भी बात हो जाए, ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आज के टाइम पे वो जीएसटी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को मर्ज करके जीएसटी में कर दिया गया, ठीक है। देखिए जीएसटी में हमारे यहाँ जो प्रोविजंस है, मैं एक बार नोट कर रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। अगर मैं जीएसटी की यहीं पे बात करूँ तो जीएसटी हमारे यहाँ 122वां संविधान संशोधन बिल, 101वां संविधान संशोधन विधेयक यानी एक्ट, ठीक, इनके माध्यम से हमारे यहाँ जीएसटी को लागू किया गया।
लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2000, ठीक है, हमारे यहाँ जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी का सीधा सा मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवाओं पे लगने वाला कर। ये सीधा जो जीएसटी का, जीएसटी के पीछे का मोटो था, ये था वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पे विकसित किया गया था, ठीक। अगर मैं जीएसटी के बारे में कुछ और भी बात करूं, तो जो जीएसटी में हमारे यहाँ दरें हैं, ये 5 दर है। ये दर कौन कौन सी है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। हमारे यहाँ ये 5 दरें हैं, इन्हीं 5 दरों में हमारे यहाँ जितनी भी वस्तु एवं सेवाएं हैं उन्हें शामिल किया गया है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। अगर मैं जीएसटी के दायरे से बाहर की बात करूं, तो सबसे पहले आपका आ जाता है पेट्रोल, पेट्रोल के ही साथ में आपका आ जाता है शराब, शराब ही के साथ में आपका आ जाता है एयर फ्यूल टरबाइन, ठीक। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें अभी भी आपकी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं जीएसटी काउंसिल की, अगर जीएसटी काउंसिल की मैं बात करूं कि जीएसटी काउंसिल होता क्या है, तो जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं आर्टिकल 279 क्लॉज ए, और यहीं पे जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है, ठीक। जीएसटी काउंसिल में प्रेजेंट टाइम पे 33 सदस्य हैं। इनका जो अध्यक्ष होता है ये वित्त मंत्री होता है, ठीक। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 28 सदस्य आपके सीएम हैं। अगर मैं बात करूं 3 सदस्य, तो 3 सदस्यों में आपके यूटी के उपराज्यपाल, और इसी के साथ को में वित्त मंत्री, यानी केंद्र से 2 सदस्य, एक वित्त मंत्री और एक राज्य वित्त मंत्री। तो 2 सदस्य यहां से हैं और 28 सदस्य यहां से और 3 सदस्य यहां से, मतलब 28, 2, 30 और 3, 33, ये 33 सदस्य आपके समय जीएसटी काउंसिल में है, ठीक है। इनका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी काउंसिल की मैं बात करूं तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279A में किया गया है। साथ ही साथ में अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करूं, तो किसी भी वस्तु को जीएसटी के किस दर में रखना है, इसका निर्धारण आपका जीएसटी काउंसिल करता है, ठीक। इसके साथ ही अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करूं, तो जीएसटी काउंसिल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो कोरम है, यहां पे कोरम है 50%, और जो वोटिंग है, वोटिंग आपका है 3/4, कम से कम किसी भी मत पे सहमति के लिए 3/4 समर्थन होना ही चाहिए। या अगर आपको कहीं भी मिल जाता है 2/3, तो यह गलत होगा। 2/3 नहीं, 3/4 है। और यहां पे अगर मैं बात करूं 1/3 की, तो 1/3 आपका राज्य, सॉरी 1/3 आपका केंद्र का वोटिंग पावर है, और वहीं पे अगर मैं 2/3 की बात करूं तो ये राज्यों का है, ठीक। इसी के साथ में अगर मैं कुछ और फैक्ट की बात करूं, तो जीएसटी को सबसे पहले लागू करने के लिए हमारे यहाँ वाजपेयी साहब की सरकार थी, और वाजपेयी साहब ने 2002 और 2003 में हमारे यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो फिनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा साहब को कहा कि वस्तु एवं सेवा करों में संशोधन करने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। और यशवंत सिन्हा साहब ने विजय केलकर समिति का गठन किया, और विजय केलकर समिति के गठन के रिकमेंडेशन पे हमारे यहाँ जीएसटी के प्रोविजंस को देखा गया, ठीक। ये थोड़ा सा इतिहास है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो विश्व में जो जीएसटी लागू हुआ है पहली बार, विश्व में ये लागू करने वाला देश था आपका फ्रांस। भारत का जो जीएसटी है ये कनाडा मॉडल पर आधारित है, ठीक। भारत का जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। इसी के साथ ही में अगर मैं बात करूं जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो भारत का जो पहला राज्य है वो असम है। और अगर पे वहीं पे मैं लास्ट राज्य की बात करूं, तो आपका जो लास्ट राज्य है ये जम्मू कश्मीर है, ठीक। इतनी चीजें आपने जीएसटी में देख लिया। देखिए जीएसटी में बहुत सारी चीजें और भी हैं, ऐसा नहीं है कि जीएसटी में जितना बता दिया जाए उतना कम है। जीएसटी में एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा, एक है जीएसटी एन, जी
STN इसका मतलब है GST नेटवर्क। GST नेटवर्क का सीधा सा मतलब है कि GST को कैसे करके पेपरलेस बनाया जाए और उनमें पारदर्शिता को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये सारी चीज़ें GST में इंट्रोड्यूस करने के लिए GST N का उल्लेख किया गया। N का मतलब है नेटवर्क, और GST नेटवर्क में जो आपको 15 डिजिट का एक कोड होता है, 15 डिजिट का जो कोड होता है, उन्हीं कोड के माध्यम से GST नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि GSTN को जो सर्विस देता है, सर्विस देने का जो इस समय कार्य है वो इंफोसिस करता है, इंफोसिस, ठीक। तो इंफोसिस GST नेटवर्क को अपनी सर्विस देने का कार्य करता है। इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि GST के लिए आपके पास सफिशियंट है। अब मैं इन्हें एक पेज पे कर रहा हूँ, आप एक पेज पे इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन था आप प्रत्यक्ष कर, और आप प्रत्यक्ष कर के ही माध्यम से मैंने ये सारा डेटा आपके सामने रखा है। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके पास में होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको अगर समझ में आई हैं तो कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड है, एक बार आप उन्हें भी देख लीजिए। एक है कराघात और करापात। कराघात क्या है और करापात क्या है? देखिए, कराघात का सीधा सा मतलब है कि जिस बिंदु पे कर को लगाया जाए, कर लगाया जाए, वसूली उसी बिंदु पर किया जाए, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स, ठीक। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। करापात, लगने वाला बिंदु अलग हो और अदायगी का बिंदु अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे अप्रत्यक्ष कर, ठीक। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कराघात का मतलब यह है कि जिस बिंदु पे कर को इंप्लीमेंट किया जाए उसी बिंदु से कर की वसूली भी किया जाए। जैसे आपका आयकर, निगम कर, मतलब जिस व्यक्ति पे लगे उसी व्यक्ति से कर का वसूली भी किया जाए। मतलब आप अपने कर के भार को किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीजें थी कराघात, ठीक। मतलब आप अपने दायित्व या अपनी जिम्मेदारियों को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। सीधा सा उदाहरण है आपका डायरेक्ट टैक्स। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, मतलब लगने वाला बिंदु ये हो और वसूली वाला बिंदु ये हो। जैसे कि अगर आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, अगर आप परीक्षा प्लस की क्लासेस ले रहे हैं, मतलब कि अगर हम आपको अपनी सर्विस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि बदले में हम सरकार को सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जो हम सर्विस टैक्स पे करते हैं, इन सर्विस टैक्स को हम आपसे लेते हैं और आपसे लेने के बाद में हम सरकार को देते हैं। मतलब लगने वाला पॉइंट तो मैं हूं लेकिन अदायगी वाली पॉइंट आप हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि कर तो लगाया जा रहा है मेरे पे लेकिन उसकी वसूली मैं आपसे कर रहा हूँ। ये है सर्विस टैक्स, ये है करापात। मतलब मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ कर के भार को, लेकिन कराघात में मैं कर के भार को शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। लग भी मेरे पे रहा है और वसूली भी मेरे ही थ्रो किया जाएगा। तो ये है कराघात और करापात। जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को समझते हैं तो कराघात और करापात के माध्यम से ही आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझ पाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कुछ पॉइंट्स और है, एक है प्रगतिशील और एक है प्रतिगामी, ठीक। प्रगतिशील का सीधा सा मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की आय जितनी ज्यादा हो उस पे कर का रोपण भी उतना ही ज्यादा हो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पे आपका डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक। अगर मैं प्रतिगामी की बात करूं तो यहाँ पे आय का कोई उतना ज्यादा मैटर नहीं करता लेकिन प्रति व्यक्ति को कर उतना ही देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर मेरी सैलरी, आपकी सैलरी सपोज दैट मान लीजिए है 10 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है कि 10 लाख पे हो सकता है कि आपको 12% या 15% आपको
इनकम टैक्स पे करना पड़े, ठीक। और अगर मेरी सैलरी है 240,000 तो जाहिर सी बात है कि मैं जीरो टैक्स पे करूंगा, मेरे ऊपर इनकम टैक्स नहीं होगा, ठीक। मतलब अगर आपकी आय ज़्यादा तो आपका कर ज़्यादा, और अगर मेरी आय कम तो मेरा कर कम, सीधी सी बात है। ये है हमारे यहाँ प्रगतिशील कर, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और किसी भी देश के लिए, किसी भी उसकी अर्थव्यवस्था के लिए कर का प्रगतिशील होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि किसी भी देश में अगर प्रगतिशील कर का दायरा ज़्यादा है, टैक्स स्लैब ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दर के टैक्स के दायरे में आएंगे, तो उस देश में कर का राजस्व, कर की दरें तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ साथ में राजस्व भी बढ़ेगा। अगर राजस्व बढ़ेगा तो उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगी, ठीक। ये प्रगतिशील है, और प्रगतिशील कभी भी किसी व्यक्ति को चुभती नहीं है। रीज़न है कि अगर आपकी 30 लाख सैलरी तो आपको 30% टैक्स, मेरी 2,40,000 सैलरी तो मेरे पे कोई टैक्स नहीं, या मेरी अगर 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख सैलरी है तो हो सकता है मैं 10% टैक्स दूं। मतलब कम सैलरी कम टैक्स, ज़्यादा सैलरी ज़्यादा टैक्स, तो यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं होती है। जैसे अंबानी ज़्यादा कमाते हैं तो उन पर ज़्यादा टैक्स, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ तो मैं कोई टैक्स पे नहीं करता, ना अंबानी को चुभता है ना मुझे चुभता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वही मैं प्रगतिशील की बात करूं तो प्रगतिशील में आय का तो मैटर ही नहीं है, कर सबको पे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप खरीदते हैं एक ब्रेड, आप अगर एक पैकेट ब्रेड खरीदते हैं तो चाहे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक पैकेट ब्रेड खरीदे, या एक भिखारी एक पैकेट ब्रेड खरीदे, या गांव का एक किसान एक मजदूर एक पैकेट ब्रेड खरीदे, सबको उस ब्रेड पे लगने वाला जो टैक्स है वो सेम पे करना पड़ेगा, क्योंकि वह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक। हो सकता है उस कर का जो चुभन है ना वो बड़े या अमीर लोगों पे नहीं होता, लेकिन गरीब लोगों पे वो टैक्स चुभता है, ठीक है। यही रीज़न है कि किसी भी देश में प्रतिगामी नहीं होना चाहिए, जो कर है वो प्रगतिशील होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ प्रगतिशील करना होने के साथ साथ प्रतिगामी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत में टैक्स पेयर कंपनी अगर लोग हैं, अगर मैं बात करूँ जो लोग टैक्स पे करते हैं वो 4% लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। और अगर मैं वोटरों की बात करूँ कि हमारे यहाँ जितने वोटर हैं उन वोटर का सिर्फ 5% लोग ही डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रगतिशील कैसे हो सकता है जब इतनी सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक। ये चीजें आपको क्लियर अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो आप करने में सक्षम हो। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एक है सेस और एक है सरचार्ज, ठीक। अगर मैं सेस और सरचार्ज की बात करूं, देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं इन पे हर एक क्वेश्चन बना दूं कि निम्नलिखित में से सेस है, सरचार्ज है, प्रगतिशील क्या है, प्रतिगामी क्या है। मेरा मकसद है आप तक डेटा डिलीवर करना। मैं एक एक पॉइंट के माध्यम से आप तक डेटा डिलीवर कर रहा हूँ। मैटर ये नहीं करता कि मैं 10, 15, 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप तक डेटा डिलीवर हो रहा है ये मैटर करता, ठीक। अगर मैं वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेस की, तो सेस का सीधा सा मतलब है कि ये विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है। किससे? विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य की, विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु लगाया जाता है। और इनका जो खर्च है ये खर्च उसी मद में किया जाता है। मतलब उसी मद का मतलब है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेस लगाया जाता है उसी उद्देश्य की पूर्ति है तो इसका प्रयोग किया जाता है। आपको भी पता होगा कि केंद्र सरकारें क्या करती हैं कि जो भी उनका टैक्स कलेक्शन होता है उन टैक्स कलेक्शंस को वो राज्यों के साथ में भी बांटती हैं। मतलब एक वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उस सिफारिशों के आधार पे राज्यों का हिस्सा दिया जाता है। लेकिन अगर सेस से कोई पैसा कलेक्ट किया जाता है तो सेस के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो सेस का कोई भी पैसा या कोई भी हिस्सा राज्यों को नहीं दिया जाता है। सीधा सा सीधा यह पैसा वहीं खर्च किया जाता है जिस उद्देश्य की प्राप्ति है तो लगाया जाता है। और ये अगर मैं बात करूं तो यह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये दोनों टैक्स पे लगाया जाता है। और अगर मैं वहीं पे सरचार्ज की बात करूं तो सरचार्ज का मतलब है कि अतिरिक्त, अगर आपकी अतिरिक्त आय है मतलब एक स्लैब से ज्यादा आपकी आय, तो आपके अतिरिक्त आय पे जो कर लगाया जाता है वह सरचार्ज होता है। और सरचार्ज को साधारण शब्दों में कहा जाता है कर के ऊपर कर, ठीक। और हमेशा कोशिश यही होती है कि यह डायरेक्ट टैक्स पे लगता है, ठीक है। ये चीजें हैं, यह है आपका सेस और आपका सरचार्ज, दोनों में क्या अंतर है वो आप देख सकते हैं।
ठीक है। इसके साथ ही में अगर मैं बात करूं तो टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो, कर अपवंचना और कर बचाओ, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो की बात करूं तो टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो यह कहता है कि किसी एक देश के जीडीपी के आधार पर उस देश का टैक्स कलेक्शन कैसा है, ठीक। इसका मतलब यह है कि किसी देश की अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो उस ग्रोथ करने के साथ में उस देश की जीडीपी में उसका टैक्स कलेक्शन कैसा है, मतलब टैक्स की हिस्सेदारी कैसी है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत जैसे विकासशील देश में जो टैक्स का कलेक्शन है, आप देखेंगे जो हमारा टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो है ये 17% है। सीधा सा मतलब है कि आपकी जीडीपी में टैक्स कलेक्शन का हिस्सा कितना है, ठीक, ये बताता है उस देश की जीडीपी रेशियो को। और किसी भी देश का जीडीपी रेशियो ज्यादा होना उस देश की आर्थिक सामाजिक विकास या समृद्धि को दर्शाता है और यह उस अर्थव्यवस्था के लिए भी स्वस्थ और लाभदायक माना जाता है। लेकिन हमारी ये एक तरीके से कह लीजिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम बहुत मामूली हमारा टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो है। इसके संदर्भ में अगर हम विदेशों में देखें तो जो हमसे छोटे देश हैं उन देशों का टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो कहीं ज़्यादा है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो काफ़ी कम है। टैक्स ऑन जीडीपी रेशियो क्या है, वो है एक है कर अपवंचना और एक है कर बचाओ। अगर मैं कर अपवंचना की बात करूं तो सीधा से इसको कहते हैं कर अपवंचना को, एक वर्ड है अरे जो अभी मोदी जी कह रहे हैं कि मैं विदेशों से वापस लेकर आऊंगा, काला धन, ठीक। देखिए कर अपवंचना का मतलब होता है जब आय को छुपाया जाए और उस पर कर ना पे किया जाए, मतलब अपनी आय को छुपाया जाए जानबूझकर बहुत सारी नीतियों के माध्यम से, या टैक्स उस पर टैक्स ना पे किया जाए, तो यह एक तरीके से कर अपवंचना कहलाता है। और कर अपवंचना की अगर मैं बात करूं तो यह अनलीगल है, असंवैधानिक है और पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान भी है, और पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है। अगर वहीं मैं कर बचाव की बात करूं तो कर बचाव क्या है कि जो कर के नियमों में जो कमियां हैं कर के नियमों में जो कमियां, उन कमियों का लाभ उठाया जाए। और इसके माध्यम से अगर आप अपना कर को बचा रहे हैं तो ये आपका कर बचाव कहलाता है। देखिए क्या होता है कि कई बार आपको भी पता होगा कि बहुत सारी ऐसे प्लान्स या ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स से आप बच जाते हैं। जैसे अब मैं बात करूं इनकम टैक्स की धारा अगर 80C और D को देखें तो 80C और D यह कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी, अगर जैसे एक है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, अगर आप उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं या अगर आप कोई LIC प्लान्स ले लेते हैं या कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है। तो जो ये सारी लूप होल्स है ना, इनके माध्यम से अगर आप कर बचाते हैं तो यह आपका कर बचाव कहलाता है और यह संवैधानिक है। हालांकि यह इथिकल नहीं है, ठीक, यह इथिकल नहीं है, बट हाँ यह संवैधानिक है। आपने यहां पे जो भी चोरी किया या बचाया इसके लिए आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन यह अनइथिकल भी है और असंवैधानिक भी है और पकड़े जाने पर चोरी का प्रावधान भी है, ठीक। सो यह चीजें आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ में कुछ पॉइंट्स और भी हैं, एक है टैक्स हैवन और एक है लॉफर कर्व। टैक्स हैवन क्या होता है, टैक्स हैवन को साधारण शब्दों में कहा जाता है कर स्वर्ग। टैक्स हैवन का मतलब होता है ऐसे देश जिन देशों में या तो कर की दर शून्य है या न्यूनतम है, साथ ही साथ में वहां पारदर्शिता का अभाव है, ठीक, ऐसे देशों को टैक्स हैवन देश कहते हैं। और टैक्स हैवन का मतलब यह होता है कि अगर टैक्स हैवन कंट्रीज में कोई देश इन्वेस्ट करती है तो खासकर साधारण तौर पे माना जाता है कि यहाँ पे काला धन का निवेश ज़्यादा मात्राओं में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूचना का अभाव भी कम है, ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियाँ भी नहीं होती हैं, ठीक। तो ऐसे देशों को हम टैक्स हैवन देश कहते हैं। यही रीज़न है कि टैक्स हैवन देशों के माध्यम से जब किसी देश में इन्वेस्ट किया जाता है
तो उनपे जो लगने वाला कर होता है या तो शून्य होता है या बहुत कर होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे टैक्स हैवन कंट्रीज में, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट आपने नाम सुना होगा मॉरिशस, और एक आपने सुना होगा सिंगापुर। ठीक, ये मॉरिशस रूट भी कहा जाता है और ये सिंगापुर रूट कहा जाता है। इन दोनों रूटों से भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा अगर मैं एफडीआई की बात करूं, एफडीआई क्या होता है हमने कल बात किया था, या फिर मैं नेक्स्ट टाइम भी बात करूंगा एफडीआई क्या होता है। मॉरिशस और सिंगापुर रूट के माध्यम से भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। उनका सबसे बड़ा रीजन है कि इन देशों के साथ में हमने DTAA संधि भी कर रखी है, मतलब डुअल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इन संधि के माध्यम से यह कहा जाता है कि अगर कोई इन देशों के माध्यम से कोई कंपनी किसी भी देश में निवेश करती है, तो वो किसी भी देश में कर देने के लिए छूट है, मतलब स्वेच्छा से किसी भी देश में टैक्स पे कर सकती है। ठीक, तो भारत में चूंकि हमारे यहाँ टैक्स का दर ज़्यादा है, उतनी पारदर्शिता भी हमारे यहाँ सही तरीके से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी हम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये सारे देश क्या करते हैं कि पहले जाते हैं मॉरिशस। मान लीजिए कि अगर कोई अमेरिका की कंपनी और भारत में निवेश करना चाहती है और डायरेक्ट निवेश नहीं करती, तो वो पहले जाएगी मॉरिशस, मॉरिशस में अपना एक ऑफिस बनाएगी और अपने इस ऑफिस से वो भारत में एफडीआई करेगी। ये रूट चलता है भारत में टैक्स हैवन देशों के माध्यम से। और DTAA का मतलब है डुअल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोहरा कर संधि प्रावधान कहा जाता है। इसके माध्यम से कंपनियां कर देने से अपने आप को बचाती हैं। एक है आपका लॉफर कर्व। अगर मैं लॉफर कर्व की बात करूं, तो लॉफर कर्व लॉफर महोदय ने दिया था, इन्हीं नाम के आधार पे लॉफर कर्व कहा जाता है। लॉफर कर्व सीधा कहता है कि कर राजस्व और कर राजस्व के साथ ही में कर की दर के बीच के संबंध को बताता है। अगर मैं बात करूं कर राजस्व और कर की दर के बीच संबंध, सिंपल सा मतलब है कि अगर कर की दर को बढ़ाया जाए, तो एक सीमा तक राजस्व की बढ़ोतरी होती है। ठीक, एक सीमा तक राजस्व की बढ़ोतरी होती है अगर कर की दर को बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि राजस्व आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक, तो यही है आपका लॉफर कर्व। लॉफर कर्व आपका सीधा कहता है कि कर राजस्व और कर की दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हालांकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट, मैट के बारे में क्या है कि यह एक प्रत्यक्ष कर है जो शून्य कर कंपनियों को कर देने का सुविधा प्रदान करती है, या निजी या सार्वजनिक दोनों प्रकार की कंपनियों पर लागू होता है। तो आपने देखा ही कि निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, और निगम कर के स्थान पे अगर आप निगम कर वो आपके टैक्सेबल प्रॉफिट पे लगता है, और अगर टैक्सेबल प्रॉफिट को आप जीरो कर लेते हैं, तो आप मतलब अगर कोई कंपनी अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को जीरो कर देती है, तो उस कंपनी को शून्य बेस कंपनी कहा जाता है, या शून्य जीरो टैक्स कंपनी कहा जाता है। ठीक, तो जीरो टैक्स कंपनियों के बुक प्रॉफिट पे जो लगने वाला कर होता है, वो आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या मैट कहलाता है। ठीक, तो जो शून्य कंपनियों को ये कहा गया कि या तो आप अपने टैक्सेबल प्रॉफिट पे या आप अपने बुक प्रॉफिट पे, दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा उस पर आप 18% का टैक्स पे करेंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। और दूसरा ऑप्शन की मैं बात करूं, या चाहे वो कोई निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, दोनों कंपनियों के ये नियम लागू होता है। अगर आपका मैं ऑप्शन की बात करूं, तो आपका ऑप्शन है सी। ठीक, ये रहा आपका आज का टैक्सेशन का टॉपिक। मैंने टैक्सेशन पे मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश की है। एक बार आप इन्हें पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यकीन मानिए कि टैक्स इससे बाहर तो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, वनडे में तो नहीं पूछेगा। अगर मैं सिविल की बात करूं, तो वो इसके दाएं बाएं भी खेल सकता है। अगर मैं बताऊं कि देखिए, जो टॉपिक को मैंने 2 या 2.5 घंटे में कवर किया है ना, उन टॉपिक को आधे घंटे में कवर करना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक काफ़ी स्पीड में आप तक डेटा डिलीवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक, सो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी, तो उन्हें भी देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।